तो भाई साहब आज अपना फौजी भाई जा रहा है वापस ड्यूटी पे और उसके साथ 15-20 दिन का पता ही नहीं चला। देखिए भाई, एक फौजी के जाने के पीछे कितने सारे गांव वाले आ गए। बाकी भाभी जी भी आ रहे हैं इसके ऊपर। हाँ जी, कैसी लग रही धूप? बढ़िया लग रही है। बढ़िया एकदम। चलिए भाई ठीक है, फिर शुभ यात्रा। फिर आराम जान, ठीक है? ठीक है, टाटा 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 यार भाई जी। ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। भाई साहब इसी करें धूप आराम से। हाँ जी, हेलो हेलो सर, बढ़िया लग रही धूप? धूप बढ़िया लग रही है। अरे यार बात ही नहीं कर रहे यार आजकल। तो चलिए हो गई है नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। और आप मेरे मुँह से देख रहे होंगे बड़ी खतरनाक भाप आ रही है। तो भाई इतनी ठंड हो चुकी है पहाड़ों में, तो मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम आप देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ एंड क्लीन एंड क्लियर है। और आप देखिए क्या प्यारा व्यू है, वहाँ से सूर्य उदय होंगे और यहाँ जाएंगे। तो भाई साहब आज अपना फौजी भाई जा रहा है वापस ड्यूटी पे और उसके साथ 15-20 दिन का पता ही नहीं चला, और काफ़ी मतलब बुरा लग रहा है। जब वो आया तो काफ़ी खुशी हुई, लेकिन अब फौजी भाई जा रहा है तो बुरा भी लग रहा है, क्योंकि भाई उसके साथ में काफ़ी घूमता था यहाँ, काफ़ी हम लोग घूमे। लेकिन चलिए क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। और चलिए फिर फौजी भाई को छोड़ते सड़क तक। भाई साहब जब तक धूप नहीं आई ना तब तक तो मन ऐसा कर रहा क्या होगा। माँ आई, मैं भी है। चलिए सूर्य उदय हो गया, लेकिन अभी सड़क पे आई धूप, गांव में नहीं आई भी। अब सब आ रहे कि फौजी भाई को छोड़ने। हाँ भाई, आ रहा फौजी भाई को छोड़ने। बढ़िया, कैसा लग रहा है यार अभी? अच्छा लग रहा है कि उदास लग रही? उदास लग रही अभी? फिर कोई नहीं, फिर आएगा फौजी भाई, ठीक है? देखिए भाई, एक फौजी के जाने के पीछे कितने सारे गाँव वाले आ गए। चलिए दो लोग और आ रहे अभी। तो भाई हम कर रहे हैं अभी गाड़ी का वेट, गाड़ी वाला नहीं आया, हालांकि हम तो जल्दी आ गए यहाँ। हाँ, लेकिन इसके ऊपर रहने का रीज़न है कि अभी धूप भी आ रही है, अभी इसी के ऊपर धूप पहुँच रही है। अभी गांव में तो अंधेरा हो रहा है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पूरा गांव एकदम अंधेरा, धूप की जो किरण पड़ रही है सड़क पर पड़ रही है। भाई साहब इसे करें धूप आ रहा है हमसे। हाँ जी, हेलो हेलो सर, बढ़िया लग रही धूप? धूप बढ़िया लग रही है। अरे यार बात ही नहीं कर रहे यार आजकल। चलिए बाकी भाभी जी भी आ रहे हैं इसके ऊपर। हाँ जी, कैसी लग रही धूप? बढ़िया एकदम। चलो भाई जी ठीक, फिर आराम से रहना, ठीक है? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जी भी जा रहे हैं संदीप के साथ। बाकी गांव में हम है क्या दिक्कत है, हम नल्ले बैठ रखे हैं, आप आराम से रहो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ये मैराथन दौड़ में, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ तो चलिए भाई, गाड़ी भी आ गई है। कहाँ गए भाई ये? अच्छा बैक करके ला रहे भाई साहब इधर, ठीक है? चलो भाई आ गई गाड़ी। ये बाबा, ये सुबह सुबह ठंड पीनी, धन हो प्रभु। चले भाई, 6 + 8 + 1 आ गई है। हाँ सामान दबी दबी चलना गाड़ी। सही बात सही बात। चलो भाई रखो भाई, जितना भी सामान है। चलो चलो रखो रखो, शाबाश रखो 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 रखो। रखो भाई, कहाँ है वो जो आपने टपाई लाई हमारे माल्टे, वो भी रख दो। चलो तो चलिए भाई, सामान पैकिंग की तैयारी हो रही है। भरो भरो, खूब भरो। अरे नहीं यार, लो भाजी लो। आ जाओ आ जाओ, बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। आ रहा, अरे बहुत है। अरे मैं गलत आ गया भाई, ऐसे में तो मरते हैं।
तो चले भाई, इतना सारा सामान भर दिया उन्होंने, ठीक ठाक पेल दिया भाई। हैं लियो साहब, लियो साहब, रखा ही। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। चलो भाई, अरे यहीं पीछा, इसको पीछे बिठाओ, चल तू पीछे बैठ, उल्टी करने वाले पीछे बैठेंगे। कौन भाई? अच्छा अंदर गए आप सामान रखने, उल्टी होने लगे, क्या बात है यार, अपने लाना पड़ेगा अगली बार। चलो ठीक है भाई, ध्यान रखना अपना, ठीक है, आराम से फिर मिलेंगे। हाँ जी, कैसा लग रहा अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। हैं सही है, चलो चलो चलो, चल के आना, चलिए भाई, ठीक है फिर, शुभ यात्रा। ठीक बड़ा ठीक बड़ा, आराम से, ठीक है ठीक है, टाटा 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 यार भाई जी, ठीक है बढ़िया बढ़िया। अरे ये सीट खोल यार, ये खोल यार तू, वही भाई वही सब होगी, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो। हाँ ठीक है बरा, जय हो जय हो। चलो भाई चल पड़े, ये टॉपर रह गया, चलिए हम भी चलते हैं घर, आया सबके साथ था, जाना गिरा पड़ रहा भाई, चलिए आइए आइए। भाई धूप अभी तक भी गांव में नहीं आई, चलिए भाई फाइनली धूप हमारे घर में भी आ गई है, और फौजी भाई तो चले गया। और इधर क्या हो रहा है? मम्मी बर्तन धुल रही, तो भाई माँ धुल रही है बर्तन, और सपना भी आजकल थोड़ा उदास उदास है, कल रात को बहुत लेट में आए, हमने सोचा बाहर निकाल लिया। और बात करें बिंदु की, तो भाई साहब बिंदु, हाँ बिंदु धाक खा रही तो है, और भाई मधुली, हाँ मधुली, चल तर खा तू भी, तेरे को देखिए तो डर लगता है। तो चलिए माँ धुल रही बर्तन, माँ इसके बाद चाय है, तो बर्तन धुलने के बाद गर्मा गर्म चाय पियेंगे थोड़ा, बाकी अभी देखो गाँव का व्यू कैसा दिख रहा है। भाई गर्मा गर्म चाय ला दी माँ ने, मजा आ गया यार चाय पी के। कॉलेज नहीं जा रही? अरे अपन टपन छोड़ दू, कॉलेज भी जा रही आज, कब जाएगी? बहुत देर में उड़ती आ रही कसम, बहुत देर में, ए भगवान क्या बोलो, ज्यादा क्या बोलो, कैमरे के आगे ये नाक लगाती फिर छोड़ो, व्यर्थ है बोलना, वत्स व्यर्थ है बोलना, वत्स जाओ अपना काम करते रहो, जो आप कर रहे हो जाओ, यहाँ मत छुपो, जाओ वत्स। क्या एक्टिंग करती है वाह, बस बस जा जा काम कर जा। तो चले मैं चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आज क्या क्या होता है, आज अकेला हूँ, नहीं अकेला तो नहीं हूँ मैं, बड़े भाई कहाँ जाएंगे अभी, ऑप्शन तो बहुत है मेरे पास, अभी भाई साहब के यहाँ चलते हैं थोड़ी देर में, चाय फिनिश करते हैं, मुँह धुलते हैं फिर निकलते हैं। तो चले भाई फाइनली मैंने मुँह धुल दिया और एकदम ठीक हो गया हूँ रेडी, तो यहाँ आप देख सकते हैं और ये सब्जी की कटिंग, सोयाबीन प्याज को साथ में काटा जा रहा है, माँ का पत्नी कैसा क्या क्या बना रहे आज, आज कौन सी ट्रिक लगा रहे आज अपनी, तो वहाँ काट रही वहाँ। तो चले भाई ये हो गए तैयार, इसने आज दो दो चाट बना रखी, ले जा रही, क्या है भाई इसमें क्या बना रखा है, इसमें मुर्गा और मेंढक होगा बना रखा, और क्या तेरा काम ना नाम, मुर्गा और मेंढक ने, चल बढ़िया बढ़िया। तो चले भाई मैं जाता हूँ थोड़ा भाई साहब के यहाँ, क्योंकि 9:15 हो गया टाइम, तो थोड़ा उनके साथ बैठा हुआ रहूँगा, उसके बाद वो ड्यूटी चले जाएंगे। चले भाई आज इस रास्ते जाता हूँ, जरा देखता हूँ खेतों में क्या क्या हो रहा है। तो भाई ये रास्ता हमारे नीचे खेतों में जाता है, और ये जाता हमारे धारे की तरफ, तो ऐसी होती भाई गाँव की ज़िंदगी। आजकल माल्टे भी लग गए हैं, तो भाई साहब ये होती है बिच्छू घास, इसको अगर आप ज़ोर से पकड़ोगे ना, तो इसकी जो कांटे होते हैं ये जैसे चुभ जाते हैं उसके बाद तो 440 वोल्ट का करंट लग जाता है, इसको हमारी भाषा में कंडाली बोलते हैं। साग बनाते हैं हम इसका, सबसे पहले तो हम इसको आग में जलाते हैं, उसके बाद इसको गर्म पानी में उबालते हैं, उसके बाद इसका जो हरा पानी होता है उसको फेंक देते हैं, उसको हमारे यहाँ जहर बोलते हैं विष, फिर इसको तेल में पकाते हैं, और लाल मिर्च का तड़का पड़ता है, प्याज टमाटर नहीं पड़ता इसमें। भाई प्रणाम, भाई प्रणाम, भाई प्रणाम, बढ़िया। तो मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है कि आज दोस्त चले गया, आज आ रहा है इधर साइड, ऐसा भी होता है कई बार, सुनना पड़ता है। हाँ नहीं 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 हम ले जाए, प्रणाम कौन करेगा,
तो भाई छोड़ो यार, मैं इसका चाचा नहीं हूँ। बड़ो खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो भाई जबरदस्ती प्रणाम करवाना पड़ रहा है भाई मुझे, कसम से बहुत जबरदस्ती प्रणाम करवाना पड़ रहा है आजकल, काफी रिक्स हो गया बच्चों से प्रणाम करवाना। बाकी बड़ी बैठ रखी और ठीक है तबियत पानी, धूप सेक रही। आहा, तो चलिए मैं भी थोड़ा धूप सेक लेता हूँ। काम न धाम डॉट 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 नाम नहीं निकालूंगा भाई, लड़ाई हो जाएगी। चलो बैठ जाते हैं। सूर्य साहब जी अपने दर्शन दे रहे वहाँ से और पूरे बादल अंडे, हाँ बादल भी आ रहे हैं हल्के फुलके, लेकिन चलो जब तक धूप है तब तक सेक लेते हैं। ओ बुढ़ी, ओ बुढ़ी, ये क्या लगा रहे तूने गाल पे? हाँ बुल्डी ने टैटो बना रखा अपने का, इधर दिखा जरा, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा, ये देखे बुल्डी का टैटो। अरे वाह, सही है सही है। तो चले थोड़ा बैठते हैं, तब देखते हैं क्या कर पाते हैं आज। बस तो करते हम कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बैठे रहते हैं। क्यों थोड़ा गप्पे मारते हैं बड़ी के साथ है। हाँ तो चले भाई, भाई साहब के यहाँ से मैं आ गया हूँ और शाह चली फुर्कीमान, यानी कि भाई साहब आगे आगे चल रहे हैं। यार अपना गाँव काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है यार, बस गाँव ही दिखता है ब्यूटीफुल, बाकी तो आगे मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन सही है जो भी है, बढ़िया है। क्यों भाई जी, सही है जैसे चल रहा है, बहुत प्यारे यार, सही में यार मन करता है। तो चलिए भाई जी के काफ़ी फैन है यहाँ जो सब पूछने की जा रहा है, ठीक है क्या है, हमें तो कोई ना पूछ रहा। और अपने शेरू की बात करो तो भाई साहब आज तो बिल्कुल घर के सामने पे बैठ रखा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि है रखवाली कर रहा है आज। गेट लगी नहीं बेटा, नहीं होता है गेट खोली, चल अंदर चलो गेट खोलो। तो चलिए आज यहाँ पे पहरेदारी कर रहा है आज, बस चल बैठ जा आराम कर, आ गया तो ड्यूटी से नहीं। बाकी भाई साहब की क्या गरीब रथ, गरीब रथ पेवर लोन पे ले रखी है, पेवर लोन, हाँ टोटल लोन लो, हाँ हाँ हाँ, तो कने क्या कर सकता हूँ। जी जी चाची जी, ना ना ये दिखने के से लगता है डरबागी नहीं हो, इतना नहीं हो, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। भाई तेरे पे सब हंस रहे हैं, तूने बदनामी करा दी मेरी यहाँ। ठीक है ठीक है, चलिए भाई, भाई साहब भी अपनी गरीब रथ को स्टार्ट कर रहे हैं, जाते हैं यहाँ से, उसके बाद मैं भी लेट जाता हूँ क्योंकि धूप अच्छी लग रही है। और गाँव में एक भाई साहब एक मैं दो ही हैं जो बेरोजगार है, बाकी तो सब सरकारी नौकरी लग रखे हैं। हमारे साथ काफ़ी बुरा हुआ, हमारे तो नहीं होगा, ये भी सही है। तो चलिए शायद ऊपर वाले ने सोचा कि गांव में कुछ लोग तो चाहिए, चलो हम ये दो सिलेक्ट किए। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए भाई चल पड़े भाई जी। तो भाई अपना ऐसा है, यहाँ कल अनीता ने रंग किया, काफी अच्छा लग रहा है अभी, यानी कि उजाला लग रहा है। इसको बंद कर देते हैं, मैं भी थोड़ा बिस्तर लगाता हूँ, थोड़ा लेट जाता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है जैसे बुखार आ रहा है, थोड़ा लेट जाता हूँ, यहाँ तो कोई है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है अभी। शेरू जरा आ जा, शेरू को इसके ऊपर लेटा देते हैं, आ जा चल इसके ऊपर सो जा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, शाबाश लेट जा लेट जा लेट जा, चल बैठ बैठ जा, शाबाश। तो भाई इधर की बात करें तो बिंदु भाई भी धूप सेक रहे हैं और मधुली को भी बाहर रखा है, क्योंकि अब क्या होता है कि सर्दियों का मौसम है तो इनको अंदर नहीं रख सकते हैं, वैसे रात को तो ये अंदर ही रहते हैं लेकिन दिन में इनको बाहर भी रखना पड़ता है धूप सेकने के लिए। और ये भी धूप सेक रहे हैं अपना आराम से, लेकिन मुझे लग रहा है इनको ज़्यादा गर्मी हो गई, क्योंकि जब ये ऐसे करते ना, देखो यहाँ ये देखो लंबे लंबे सांस ले रहा है, लगता है इसको अंदर ले जाना पड़ेगा। चलिए मैंने बिंदु को अंदर बांध दिया है क्योंकि उसको गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और वो ना लंबी लंबी सांस ले रहा था, और मधुली का ध्यान भी उस पर, लेकिन मधुली को अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि इधर छांव है, अगर इसको गर्मी लग भी जाएगी तो ये गौशाला जो हमारा गोटा है उसकी दीवार से इधर छांव हो रहा है, अगर इसको ठंड लगी तो इधर साइड आ जाएगा आराम कर। चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं अभी क्या क्या होता है। और शेरों को भी ठंड लग रही थी, यहाँ बैठ गया,
यानी कि पहले यहाँ पे था इस बिम के छाँव में, लेकिन जैसे इसको यहाँ ठंड लगी फिर अपना यहाँ पे आ गया। अबे खुजली हो रही तेरे को बहुत ज़्यादा। तो चले भाई, माँ भी आ गई है। तो भाई माँ ने कितना बड़ा भारा लाया है। अरे तो ये है पीटा, जिसको कि पीरुल भी बोलते हैं। और माँ बोल रही कि आज जो ये भारा है तिरछा लग गया थोड़ा, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही होगी चलने में। माँ वो बांधिल में भीतर आ गई है। हाँ बच गए, अभी गिर गए थे अभी। तो भाई माँ ने लाया है पीरुल, और ये इसलिए लाते हैं क्योंकि इसको बिछाते इनके नीचे, इनका बिस्तर भी मान सकते हैं आप। अब जैसे मतलब टॉयलेट करते हैं, पोटी करते हैं, तो वो इसी के ऊपर डालते हैं, फिर ये सब उसके साथ मिक्स होके फिर इसका बनता है खाद, गोबर की खाद। तो माँ थक लग गया है। मैंने खाए, मैंने कसम से मैंने जब तो आलता है खान। क्यों चल आराम कर पहले। तो भाई शेरू भी खुश हो गया, माँ आ गई। उठ गया भाई, गुड मॉर्निंग, उठ गई तेरी नींद।